वृंदावन के वात्सल्य ग्राम सिजई में साध्वी रितंभरा ने वात्सल्य लाइफ केयर कोविड हॉस्पिटल खोला है। उन्होंने खुद पहुंचकर एक समारोह में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस अवसर पर हॉस्पिटल में साध्वी रितंभरा ने मथुरा जिलाधिकारी नवनीत चहल के साथ दीप प्रज्वलित किया और फीता काटकर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मृदुलकांत शास्त्री भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कहा एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक होम्योपैथी, ये तो एक अलग चीज है कि वो पैथी है, उससे शरीर ठीक किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक वातावरण, उनके साथ संवाद, उनसे उनके साथ बातचीत, जो वत्सलता का स्पर्श होता है वो बहुत सारे लोगों को छीन लेता है। दूसरी बात है, हम सनातनी हैं, हम मानते हैं कि ग्रह दशाएं होती हैं, तो उस ग्रह दशा को शांत कैसे किया जाता है, और मैं तो मन को सबसे बड़ा ग्रह मानती हूँ, मन ही सबसे खतरनाक ग्रह है, वो कैसे शांत होगा, उसके लिए भगवान आशुतोष शंकर भगवान श्री बिहारी जी के चरणों की शरण, यहाँ अभिषेक होंगे ताकि मन शांत हो, ग्रह शांत हो, स्वास्थ्य लाभ मिले, उस दृष्टि से ये पहली प्रयोग भूमि होने जा रही है।